सभी सुंदर साधकों कोटानकोट प्रेम प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 13 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साध जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साध आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साध जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई पैगंबर आदम कई फिरे फिरसते फेर तबक चौदे देखिए पर कीन ठोरन छोड़ी अंधेर। इसी प्रकार कई अवतारी पुरुष कहलाते हैं तो कई सामान्य व्यक्ति भी होते हैं। कई देवी देवताओं के चक्र में पड़े हुए होते हैं किंतु 14 लोकों में चारों ओर देखो कहीं भी किसी से अंधकार छूटा हुआ नहीं है। कई सिलवंती सती कहा वही कई आरजा अर्धांग जती वर्ती पोषांगरी ए अति स्वभावे स्वांग। हिंदू नारियों में कई स्त्रियां सिलवंती सती साध्वी कहलाती हैं तो कई भक्तिमती अर्धांगिनी कहलाती हैं। पुरुषों में कई यति तो कई व्रति कई अनेक प्रकार के पोशाक धारण करने वाले पोशागरी कहलाते हैं। इस प्रकार इस खेल में विभिन्न स्वांग की ही शोभा हो रही है। कई जुगते जोगी जंगम कई जुगते सन्यास कई जुगते देह दमे पर छूटे छूटे नहीं जमफास। इनमें से कोई योगी योग साधना करते हैं, कोई जंगम सन्यासी बनकर फिरते रहते हैं, कोई युक्ति पूर्वक देह दमन करते हैं, किंतु यह सब करने पर भी यमराज के फंद से बच नहीं सकते। कई सीवी कई वैष्णवी कई साखी समरथ लिए जो सारे गुमाने सब खेले छल अनरथ। इस संसार में कई लोग सैवी हैं तो कई वैष्णव कहलाते हैं, कई कविताएं बनाने में समर्थ हैं। इस प्रकार सब लोग निरर्थक अभिमान लेकर संसार में अनर्थपूर्ण खेल खेलते हैं। कई श्रीपात ब्रह्मचारी कई वेदिये वेदांत कई गए पुस्तक पढ़ते परमहंस सिद्धांत। इनमें से कितने ही शक्ति उपासक श्रीपाद ब्रह्मचारी कहलाते हैं, कई वेदज्ञ विद्वान वेदांती कहलाते हैं, कई लोग धर्मशास्त्र को कंठस्थ करने वाले सिद्धांत ज्ञानी हैं तो कई परमहंस कहलाते हैं। अनेक अवतार तीर्थंकर कई देव दानव बड़े बल्ल बुजरक नाम धराइया पर छोड़े न काहू छल। यहाँ पर कई अवतार और तीर्थंकर हो गए हैं तो कितने ही शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव भी हुए हैं। कई लोग महान ज्ञानी भी कहलाए किंतु कोई भी इस छलवती माया से मुक्त न हो सका। कई होदी बोदी पाधरी कई चंडी का चामंड बिना हिसाबे खेल ही जाहिर छल पाखंड। इनमें से कई यहूदी है तो कई अपने को बौद्ध साधु कहते हैं, कई उपाध्याय पंडित हैं तो कई चंडिका और चामुंडा देवियों के भक्त हैं। इस प्रकार अनेक आडंबर रचकर किए जा रहे पाखंड पूर्ण खेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कई डिंभ करामात कई जंत्र मंत्र मसान
कई जड़ी मूली औषधि, कई गुटका धात रसान, कई डिबंक साधु चमत्कारों में लीन हैं, कई संन्यास भूमि में रहकर तंत्र की साधना करते हैं, कई जड़ी बूटियों का प्रयोग कर औषधियाँ बनाते हैं, तो कोई गुटी का धातु तथा रसायन का प्रयोग करते हैं। कई जुगते सिद्ध साधक, कई व्रतधारी मुन, कई मठ वाले पिंड पाले, कई फिरे होए नगन, कई युक्ति पूर्वक सिद्धियों को प्राप्त करने के इच्छुक साधक हैं, तो कई व्रत धारण करने वाले मौनी साधु भी हैं, कई बड़े बड़े मठ बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, तो कई वस्त्रहीन साधु घूमते फिरते हैं। कई षटचक्र नाड़ी पवन, कई अजपा अनहद, कई त्रिवेणी त्रिकूटी ज्योति सोहम राते सबद, कोई कई योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्र और 72 नाड़ियों को साधकर कुंडलिनियां जगाने से प्रयास करते हैं, कई प्राणायाम करते हैं, तो कई अजपा जप करते हैं और अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं, कई ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों की साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं और षोड़हम शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कई संत जो महंत, कई दिखीते दिगंबर, पर छल ना छोड़े काहू को, कई कापड़ी कलंदर, कई संत है और कई महंत है तथा कई दिगंबर दिखाई देते हैं, कई कापड़ी तो है तो कई कलंदर हैं, किंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती। कई आचारी अप्रसी, कई करे कीर्तन, यो खेले जुदे जुदे बस परे सब मन, कई लोग आचार विचार का पालन करते हुए अस्पृश्यता को अधिक महत्व देते हैं, तो कई भक्तजन कीर्तन में लीन रहते हैं, इस प्रकार सब लोग मन के वशीभूत होकर अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कई कीर्तन करे बैठे, कई जाग जगन, कई कथे ब्रह्म ज्ञान, कई तपे पंच अगीन, कई भक्त जन कीर्तन करते हैं, कई याग यज्ञ करते हैं, कई ज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं और कई लोग पंचाग्नि तप करते हैं। प्रसाद जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 14 की 26 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।